हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि YouTube से डाउनलोड करना लीगल है या इलीगल है। आप जैसे भी देख सकते हैं YouTube में, अगर आप YouTube सर्च में कोई भी वीडियो सर्च कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है ना, डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, नहीं तो कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं, सॉरी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देते हैं गूगल क्रोम का, जिसे वो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे भी गूगल में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं ना, उसका जो एक वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करके उसको भी डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये लीगल है या इलीगल है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई, ये सारे के सारे चीज़ें आप जो भी मतलब डाउनलोड कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो सारे के सारे इलीगल है। आप YouTube से कोई भी मतलब वीडियो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि YouTube साफ साफ ये सारे के सारे चीज़ें करने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया है, तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और अब मैं कहना चाहता हूँ, क्या YouTube से हम डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, वैसे कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में अगर वही वीडियो का कुछ डाउनलोड लिंक कुछ प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर मान के चलिए, मैं एक आउट्रो बनाया था, जो वीडियो आउट्रो वीडियो एक बनाया था, उसमें क्रिएटिव कॉमन का मैंने दिया था, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन वाला लाइसेंस दिया था, जो कि हर कोई इसे अपना वीडियो में यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक के। लेकिन यहाँ पे मैंने डाउनलोड लिंक नहीं दिया था, लेकिन अब मैं दे दूंगा, क्योंकि ये डाउनलोड करना यूट्यूब से इलीगल है। लोग तो कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में इलीगल होता है, तो मैं उसका डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा। तो अगर मैं डाउनलोड लिंक देता हूं, तो अगर आप वहीं से जाकर आप डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो को डाउनलोड करते हो, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, आप ये लीगली डाउनलोड कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो YouTube क्यों परमिट नहीं करता है कि आप वीडियो को डाउनलोड कर पाए? क्योंकि देखो, अगर आप YouTube में आप कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, सपोज मान के चलिए मैं क्रिएटर हुआ, अभी मेरा फिलहाल मतलब मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है मेरा YouTube चैनल का, लेकिन जब भी मतलब आपको मतलब जब भी मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो क्या होगा, जब भी आप वीडियो प्ले करोगे तो ऐड चलने लगेगा, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा कुछ हिस्सा YouTube को चला जाएगा और कुछ हिस्सा मेरे को मिलेगा। तो यहीं से अगर आप वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं और ऑफलाइन देखते हैं, तो क्या होता है ना, आप मतलब वहीं से कोई भी मतलब आप मतलब वहीं पे कोई भी वीडियो मतलब एडवर्टाइजमेंट तो प्ले नहीं होने वाला है, तो YouTube को क्या फायदा होने वाला है, और जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन लोगों को क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए YouTube ने साफ साफ मना किया कि आपने वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो भी कोर्स देते हैं, कुछ भी देते हैं, भाई वो पैसा लेते हैं। YouTube में क्रिएटर लोग कुछ भी कोर्स बनाते हैं और फ्री में देते हैं, और आप फ्री में सारे चीजें देख रहे हो, हालांकि आपको इंटरनेट का खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन सारे चीजें तो फ्री भी है ना। तो इसके लिए आप सोच रहे हो फ्री तो है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट प्ले हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे यूट्यूब को प्रॉफिट होता है और क्रिएटर लोग भी प्रॉफिट होता है। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और यूट्यूब मतलब कोई वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड ना कर सकते हैं तो अच्छा है। तो वैसे कोई तो मानेगा नहीं, सब डाउनलोड करते हैं, इवन सारे लोग करते हैं, तो YouTube इसको परमिट नहीं करता है। तो इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि भाई, आप लोगों को YouTube से कंटेंट डाउनलोड वीडियो डाउनलोड करना है कि नहीं करना है। तो ये वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना।